कर्नाटक की अंजनाद्री पर्वत श्रृंखला को बजरंग बली का जन्म स्थान माना जाता है। इन्हीं बजरंग बली के नाम पर चुनाव के दौरान कर्नाटक की राजनीति में तूफान आ गया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो संगठन बजरंग दल और PFI को बैन किया जाएगा। इस मामले को लेकर अब पूरे देश में बजरंग दल की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। देश के साथ ही नागपुर शहर में भी बजरंग दल की ओर से शहर के गोलीबार चौक पर आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज नागपुर बजरंग दल की ओर से इस गोलीबार चौक पर कांग्रेस के निषेध के लिए, कांग्रेस पार्टी के निषेध के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने कल कर्नाटक में एक घोषणा पत्र जारी किया कर्नाटक सरकार का, और उसमें उन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का एक वहाँ की जनता को कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, और जो मुस्लिम संगठन है आतंकवादी उस पर भी हम बंदी करेंगे। तो हमें यह बात का रोष है कि खड़गे जी, यह बजरंग दल भारत माता की जय कहने वाला है, यह बजरंग दल वंदे मातरम कहने वाला है, यह देश और धर्म के लिए लड़ने वाला बजरंग दल है, और उसकी हमारी तुलना आप एक आतंकवादी मुस्लिम संगठना से करते हो और हमारे पे प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, यह कतई भारतवर्ष का एक 50 लाख बजरंग दल का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। आप अपने घोषणा पत्र से यह घोषणा वापस लो, वरना आपको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार रावण ने एक प्रयत्न किया था हनुमान जी को बंदी बनाने का, तो एक हनुमान जी पूरी लंका जलाकर आ गए थे। 1992 में भी कार सेवा होने के बाद आपने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया। 13 महीने की जद्दोजहद के बाद आपने कुछ भी साबित नहीं किया किसी प्रकार से हम आतंकवादी है, ये भी साबित आपने साबित नहीं किया, और आज फिर से आप वही दुस्साहस करने जा रहे हैं और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कहा करते हैं। तो जो मूलतः कर्नाटक में हुबली में जहाँ प्रभु हनुमान जी का जन्म स्थान है और दिन है मंगलवार, आप सोच लो कि एक रावण का हर्ष क्या हुआ, जिसने राम और बजरंग बली का विरोध किया उनका हर्ष क्या हो गया। अगर यह आप करने का प्रयत्न करोगे तो बजरंग दल का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। आज हम शांति रूप से यहाँ नारे निर्देशन कर रहे हैं। अगर आपने कभी यह बात फिर से दोहराई तो इसका नतीजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घर के बाहर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना बजरंग दल अपने पद से कार्यक्रम और कार्य क्रांति करने में सक्षम है, यह बात कांग्रेस की सरकार ने जान लेनी चाहिए। NBC News के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।